बच्चों, अब हम लेटेंट हीट के बारे में जानेंगे। हमने चेंज ऑफ स्टेट कर्व में देखा था कि 0 डिग्री पर आइस को हीट देने पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। यह हीट आइस को वाटर में चेंज करने में यूज होती है। सिमिलरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को हीट देने पर टेम्परेचर सेम रहता है एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। सो नाउ लेटेंट हीट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज क्यू एंड मास ऑफ सब्सटेंस इज एम, देन वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू एम एल। यहां पर एल इज लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। लेटेंट हीट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है और यह प्रेशर पर डिपेंड करती है एंड इसकी एसआई यूनिट जूल पर केजी होती है। अब यदि फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड में होता है तो इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसे एलएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि फेज चेंज लिक्विड से गैस हो तो इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं एंड इसे एलवी से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.33 × 10⁵ जूल पर केजी होती है, यानी कि 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए हमें 3.33 × 10⁵ जूल हीट जरूरत होगी। एंड वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी, यानी कि 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 22.6 × 10⁵ जूल हीट देनी होगी। चलिए आगे एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके हाथ पे गर्म पानी गिर जाए एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका हाथ स्टीम के साथ कांटेक्ट में आए तो किस केस में आपको ज्यादा बर्न्स होंगे? आपको जान के आश्चर्य होगा कि बर्न्स स्टीम के केस में, डेट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टीम है उस केस में ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है जो वाटर 100 डिग्री पर है बॉइलिंग वाटर, उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होती है, विच इज 22.6 × 10⁵ जूल्स। सो जो स्टीम है एट 100 डिग्री उसमें बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन में 22.6 × 10⁵ जूल ज्यादा हीट होगी। तो जब हमारा हाथ इस टेम्परेचर पर स्टीम के कांटेक्ट में आता है तो ज्यादा सिवियर बर्न्स होते हैं। एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करिए और क्विकली इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनमें हमें दिया है 0.15 kg ऑफ आइस है विच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम मिक्स कर देते हैं 0.3 kg ऑफ वाटर जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर बनता है इट इज 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता करना है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम एक अजम्पशन लेंगे, विच इज कि जो सराउंडिंग है और जो हमारा कंटेनर है दोनों के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले हीट लॉस बाय वाटर फाइंड आउट करेंगे। जो वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और जब वो 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो वो कुछ हीट लॉस करेगा। उस हीट लॉस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो इट इज MSW इंटू T2 − T1 ऑफ वाटर। M हमें पता है 0.3 kg, SW दिया हुआ है एंड चेंज इन टेम्परेचर T2 − T1 इज 50 − 6.7। तो इससे जो हीट लॉस बाय वाटर आता है इट इज 54376.14 जूल। नेक्स्ट हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
आइस मेल्ट होगी तो उस आइस को मेल्ट होने के लिए कुछ हीट जरूरत होगी. इट कैन बी फाउंड आउट बाय मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मास ऑफ आइस हमें दिया हुआ है 0.15 एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें कैलकुलेट करनी है. अब जो ये आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो गई है उसका टेम्परेचर फाइनल है 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 0 डिग्री से 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड आने में वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा. दिस एब्जॉर्प्शन इन हीट कैन बी फाउंड आउट बाय सेम m इंटू hw इंटू T2 - T1. तो इधर मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 0.15 इंटू 4186 hw की वैल्यू है. T2 - T1 हो जाएगा 6.7 - 0. सो इस प्रोसेस पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो आती है हमारे पास 4206.93 जूल्स. नाउ टोटल हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल हीट गेन्ड. सो हीट लॉस्ट हमने सबसे पहले निकाला है 54376.14 जूल. दिस विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड. तो इससे हमारे पास LF की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 × 10⁵ J/kg. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिपल पॉइंट. हम जानते हैं कि फेज चेंज के ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. सब्सटेंस के प्रेशर व टेम्परेचर के बीच के कर्व को फेज डायग्राम या PT डायग्राम कहते हैं, जैसा कि यहां पर वाटर के लिए दिखाया गया है. यह फेज डायग्राम पीटी प्लेन को सॉलिड रीजन, वेपर रीजन एंड लिक्विड रीजन में डिवाइड करता है. ये रीजन एक दूसरे से सब्लिमेशन कर्व BO, फ्यूजन कर्व AO एंड वेपराइजेशन कर्व CO से सेपरेटेड हैं. सब्लिमेशन कर्व BO पर लाई करने वाले पॉइंट्स उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिन पर सॉलिड एंड वेपर फेजेस कोएग्जिस्ट करते हैं. सिमिलरली फ्यूजन कर्व AO पर लाई करने वाले पॉइंट्स उस स्टेट को प्रेजेंट करते हैं जिस पर लिक्विड एंड सॉलिड फेज कोएग्जिस्ट करते हो. एंड वेपराइजेशन कर्व CO पर लाई करने वाले पॉइंट्स दिखाते हैं जहां पर लिक्विड एंड वेपर फेजेस कोएग्जिस्ट करते हो. अब जहां पर ये तीनों कर्व्स, दैट इज फ्यूजन कर्व, सब्लिमेशन कर्व एंड वेपराइजेशन कर्व मिलते हैं एंड सब्सटेंस के तीनों फेजेस कोएग्जिस्ट करते हो, उसे सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. व्हेन द प्रेशर इज 6.11 × 10³ Pa, उस टाइम पर वाटर का ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन होता है. अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी इस प्रकार से है. हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा, हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा. अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के आधार पर अब आपको NCERT एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है.